हाई कोर्ट के निर्णय के चलते इस बार भी हमीरपुर में दशहरा उत्सव नहीं मनाया जाएगा। शहर के लोगों को दशहरा देखने के लिए शहर से दूर समताना, सुजानपुर या नादौन का रुख करना पड़ेगा। हमीरपुर नगर में दशहरा उत्सव न होने से लोगों की आस्था को भी ठेस पहुंची है। लोगों में इसके प्रति गहरा रोष व्याप्त है। आपको बता दें कि हाईकोर्ट के निर्णय के अनुसार शैक्षणिक संस्थानों के खेल मैदान में अन्य गतिविधियों का पूर्णतः रोक लगाई गई है, जिसके कारण इस बार भी लगातार दूसरे वर्ष दशहरा पर्व के कार्यक्रम का आयोजन नहीं हो पाएगा। हाई कोर्ट के निर्णय के चलते इस बार भी हमीरपुर में दशहरा उत्सव नहीं मनाया जाएगा। शहर के लोगों को दशहरा देखने के लिए शहर से दूर समताना, सुजानपुर या नादौन का रुख करना पड़ेगा। हमीरपुर नगर में दशहरा उत्सव न होने से लोगों की आस्था को भी ठेस पहुंची है। लोगों में इसके प्रति गहरा रोष व्याप्त है। आपको बता दें कि हाई कोर्ट के निर्णय के अनुसार शैक्षणिक संस्थानों के खेल मैदान में अन्य गतिविधियों पर पूर्णतः रोक लगाई है, जिस कारण इस बार भी लगातार दूसरे वर्ष दशहरा पर्व के कार्यक्रम का आयोजन नहीं हो पाएगा। इससे पहले हर साल दशहरा उत्सव सीनियर सेकेंडरी बाल स्कूल के खेल मैदान में धूमधाम से मनाया जाता रहा है और रावण, कुंभकर्ण एवं मेघनाथ के पुतले भी चलते रहे हैं। लेकिन पिछले दो साल से हमीरपुर नगर में दशहरा के मौके पर पुतले का दहन नहीं किए जाने से दशहरा पर्व की रौनक फीकी हो रही है। ऐसा पिछले 15 वर्ष के इतिहास में लगातार दूसरी बार हो रहा है। इस बार हाई कोर्ट से केवल रामलीला के लिए ही स्कूल ग्राउंड का एक कोना प्रयोग करने की अनुमति मिल पाई है। इसके बारे में नगर परिषद हमीरपुर के उपाध्यक्ष तथा दशहरा मेला आयोजन कमेटी के प्रमुख कर्णधार रहे दीप कुमार बजाज का कहना है कि नगर में व्यापारी एवं शहरवासी मिलकर पिछले 15 सालों से लगातार दशहरा उत्सव एवं पुतला दहन करते आए हैं। उन्होंने कहा कि दो वर्षों से ये परंपरा टूटी है। उन्होंने कहा कि नगरवासियों को इस परंपरा को चलाने के लिए आगे आना चाहिए, ताकि नई पीढ़ी का रुझान हिंदू संस्कारों, पर्वों एवं त्योहारों को मनाने के प्रति बरकरार रहे। आज से लगभग 17 वर्ष पहले हमने अपने मन में सोचा था कि हम दशहरा शुरू करें, और हमने उसमें 17 वर्ष पहले दशहरा शुरू किया था ये सोचकर कि इसको 14-15 वर्ष तक करेंगे। आज से दो साल पहले उसके 15 वर्ष हुए, वो पूरे हो गए और हमने वो दशहरा करना बंद कर दिया। इस दूसरे साल में दशहरा नहीं हो रहा है, उसमें कुछ कमी लग रही है शहर में, क्योंकि शहर के सभी लोग, बहुत सारे लोग फोन कर रहे हैं, पूछ रहे हैं। तो मेरा कहना तो उन सब लोगों से है कि मेरी तो जो बात थी वो मैंने अपनी पूरी कर ली। तो अब लोग तो दशहरे की बात करते हैं, उसे ही जानते हैं। हमको लगता है कि दशहरा पर्व हमीरपुर शहर का एक ऐसा पर्व था, एक ऐसा मेला था कि जो पूरे वार्षिक मेलों में सबसे बढ़िया होता था। चाहे गवर्नमेंट का हमीरपुर मेला हो, चाहे हमीरपुर में कोई बड़े से बड़ा राजनेता क्यों ना आए, हमीरपुर में बड़ी से बड़ी बात क्यों ना हो, लेकिन दशहरा पर्व हमारा ऐसा रहा है कि सभी भाइयों को उसमें हमीरपुर के लोगों का सहयोग मिला है। सभी लोगों ने बड़े हर्ष से उसमें हिस्सा लिया है, आए हैं। बहुत भारी मेला, रैली की तरह यहाँ मेला होता रहा है, इसलिए आज लोगों को लग रहा है कि वो कुछ रौनक वाला दिन जो वो नहीं आ रहा है, इसलिए लोग कोई बहुत सारे लोग उदास भी है। लेकिन मैंने कहा था दो साल पहले ही कि मैंने ये काम खत्म कर दिया, अब हम ये नहीं करेंगे, और जो भी इसमें कोई करना चाहे वो कर सकता हो, इस काम को करे, क्योंकि एक धार्मिक कार्य है, लोगों को जोड़ने का कार्य है, और इसमें बच्चे, औरतें, बूढ़े सारे हिस्सा ले सकते हैं। ये हमारे शहर के मध्य में होता है, लेकिन पिछले वर्ष भी जैसे नहीं हुआ, इस वर्ष भी आज दशहरे के दिन है, तो मुझे लग रहा है कि अब भी नहीं होगा। तो वह करना चाहिए कि जो समाज सेवी संस्थाएँ हैं, जो लोग इसमें हिस्सा लेना चाहें लें, और दशहरे का पर्व जो है वो जरूर हर वर्ष हमारे हमीरपुर शहर में होना चाहिए। रामलीला में मुख्य किरदार निभाने वाले राजेश शर्मा ने बताया कि रामलीला कमेटी के द्वारा रामलीला की जाती है, लेकिन दशहरा नहीं मनाया जाता है। उन्होंने बताया कि ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि दशहरा मनाया जाना चाहिए। बात ऐसी है कि जो दशहरे की कमेटी थी, दशहरा मनाते थे हमारे प्रधान जी दीप बजाज, तो ये पूरी तरह मतलब फिट नहीं, अनफिट है। और अब ऐसा है कि बाकी लोगों को भी चाहिए कि बीड़ा अपने सिर पर ले लें, इस बात के लिए कोई आगे आता नहीं है। हम रामलीला करते हैं, करते थे और करते रहेंगे, ये हमारा आदर्श है। हालांकि शाम को पुलिस वालों ने इसमें मतलब व्यवधान भी डाला, बोलते हैं कि
आप बोले रामलला नहीं कर सकते, हमारे पास हाई कोर्ट की परमिशन है, तो फिर भी हमें इस बारे में तंग किया जा रहा है। अब दशहरा तो ऐसा है कि व्यापार मंडल है पूरा, तो उसके बारे में व्यापार मंडल ही डिसीजन लेगा कि क्या होगा, क्योंकि हम तो एक रामनाट्य कला मंच के कलाकार हैं, तो रामलला के बारे में सक्सेस में बता सकते हैं आपको। और ये अच्छी बात नहीं है जो हमीरपुर में दशहरा नहीं हो रहा है, सुचारू रूप से हर जगह दशहरा मनाया जा रहा है। हिमाचल में एक ही जगह ऐसी है या इंडिया में जहाँ पर दशहरा नहीं होता, वो है बैजनाथ, बाकी हर जगह दशहरा मनाया जाता है। तो हम तो यही चाहते हैं कि दशहरा जो पहले की तरह धूमधाम से मनाया जाए। स्थानीय पार्षद अश्विनी कुमार ने बताया कि पिछले 2 सालों से दशहरा नहीं मनाया गया है और खेल मैदान में दशहरे के पुतलों के दहन की परमिशन नहीं मिल पाने के चलते पर्व नहीं मनाया जा सका है। उन्होंने बताया कि रामलीला मनाने के लिए परमिशन मिली है लेकिन पुतले नहीं जलाए जाएंगे। पिछले 2 वर्षों से जो दशहरा हमीरपुर में नहीं मनाया जा रहा है, पिछले वर्ष दशहरा कमेटी अध्यक्ष दीप कुमार बजाज जी का स्वास्थ्य खराब होने के कारण दशहरा नहीं मना सके। अब उनका स्वास्थ्य थोड़ा ढीला है, उन्होंने लगभग 15 साल तक बड़ी धूमधाम से दशहरा मनाया, फिर उन्होंने अपने व्यापारी भाइयों को कहा कि आगे आइए दशहरा मनाइए, मगर कोई आगे नहीं आया। इसका हमें भी बहुत खेद है, हमने रामलीला चलाई है श्री राम नाटक कला मंच, इस वर्ष हमने हाई कोर्ट माननीय हाई कोर्ट से अनिल जसवाल द्वारा एडवोकेट परमिशन ली, जो हमें 10 तारीख तक परमिशन मिली है। हमने रामलीला इस बार बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल में की बड़ी धूमधाम से, फर्स्ट 2 दिनों में बारिश के कारण थोड़ी व्यवस्था गड़बड़ आ गई, मगर फिर भी हमने बहुत अच्छी ढंग से अपने लोकल कलाकारों द्वारा चलाया और आइंदा भी ऐसे चलाते रहेंगे। और आगे हमसे कोई दशहरा कमेटी द्वारा जो बनेगी, हमसे जो सहयोग मांगेगी हम देंगे, पहले भी देते आए हैं और आगे भी देंगे। जय श्री राम।